सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो आज हम आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं चना कुछ अलग तरीके से, जो आप लोग सुबह नाश्ते में भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम लेंगे चना, और चना जब फूल जाएगा उसके बाद उसको लेंगे अच्छे से धो करके, उसको एक कुकर में थोड़ा सा पानी लेंगे, और हाँ उसके साथ साथ चने के आलू भी ले लेना दो। उसके बाद कुकर में थोड़ा सा पानी लेंगे और आलू डालेंगे, और हमारा चना जो था उसको डाल करके उसमें सीटी लगा देंगे। उबाल लाना है चना जब तक हमारा बॉयल ना हो जाए, 3-4 सीटी उसको इसी तरीके से छोड़ देना है। देन उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। उसके बाद हमारा चना जो था बॉयल चना उसको ऐड कर लेना है। देन चना डालने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ी देर उसको चला लेना है अच्छे से। उसके बाद हम उसमें नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस, जब बॉयल करना है चना उस वक्त नमक नहीं डालना है, और जब फ्राई करेंगे हम लोग तब नमक ऐड करना है। उसके बाद नमक ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से चला लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा चना जो है वो फ्राई हो रहा है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/2 चम्मच, और हल्दी ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स होने के बाद हम उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब तक कि हमारा चना पक नहीं जाता है तब तक हम उसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो आलू रखा था बॉयल करके, ये हमारा बॉयल आलू है, उसको उसका छिलका जो वो छील लेना है और उसको कट कर लेना है, छोटे छोटे पीस में उसको कट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा चना जो है वो फ्राई हो चुका है। तो हम चने को निकाल लेंगे, और जो हम लोगों ने आलू कट करा था इस तरीके से आप लोग भी कट कर लेना, और आलू जो है उसके ऊपर से डाल लेना है। देन आलू ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज ऐड करने के बाद हम उसमें डालेंगे टमाटर, एक टमाटर, वो उस टमाटर भी बारीक कटा हुआ एकदम उसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। तो गाइस धनिया पत्ती ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे नींबू, थोड़े से खट्टापन लाने के लिए नींबू डालने से उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आ जाती है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कुचला, तो कुचला ऐड कर लेंगे हम, उससे थोड़ा और टेस्ट चेंज हो जाएगा एकदम चटपटा सा। देन गाइस कुचला ऐड करने के बाद उसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, चाट मसाला ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा सा चटपटा और क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे हल्दीराम का मिक्सचर, तो गाइस आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आप वो उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो गाइस ये रहा हमारा फ्राई चना कुछ अलग सा। तो ये आप लोग चाहें तो सुबह में नाश्ते में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस आप लोग भी अपने घर पर ट्राई करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी बनी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।